सब फेल सारे। यस सर, 36 के 36 बच्चे। उसके बाद सर आए नहीं, टीचर ही नहीं आए, खुद से ही तैयारी करी और हमने उसके बाद जो जैसा पेपर करा उसके बाद में हमारी रीत गई है। अभी भी टीचर नहीं है हमारे पास कि हम कहें हमारे पास टीचर, अभी भी टीचर नहीं है हमारे पास, या तो टीचर प्रोवाइड करे। गोहाना के राजकीय महाविद्यालय में इस समय मौजूद हैं और कारनामा देखिए किस तरह से होता है। यहाँ पे टीचर नहीं है जिस सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट में सारे बच्चे फेल हो गए हैं। बड़ी बात है, टीचर ही नहीं है और फेल कर दिया गया है। ये अजीबोगरीब कारनामा गोहाना के कॉलेज में हुआ है। बच्चे, क्या नाम है आपका? सर मनप्रीत। मनप्रीत, क्या समस्या है? मैं गलत तो नहीं कह रहा कि टीचर ही नहीं है और बच्चे फेल हो गए? नो सर, हमारे पास टीचर आई सिर्फ 4 दिन के लिए। 4 दिन में टीचर ने, अब आप लोग सोच सकते हो कि पूरे 6 महीने का सिलेबस 4 दिन में हमारा कवर नहीं हो पाया, और जिस कारण हमारे 36 बच्चे हैं क्लास में और 36 के 36 की री दे रखी है। सर कौन सी क्लास है, कौन से टीचर आपको चाहिए, कौन से नहीं है? सर बी ए सेकेंड ईयर में हम, और थर्ड सेम में हमारे को साइकोलॉजी का टीचर चाहिए। तो टीचर है नहीं? नो सर। तो आप कह रहे 4 दिन आए, उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद सर आए नहीं, टीचर ही नहीं आए, खुद से ही तैयारी करी और हमने उसके बाद जो जैसा पेपर करा उसके बाद में हमारी री दी गई है। तो पढ़ाई हुई नहीं और उसके बाद भी री दे रखी है। तो ये सोचा नहीं प्रशासन ने, कॉलेज को आपने शिकायत नहीं करी? सर हमने कम से कम भी कहते हैं कि हमने 25-30 बार सर को प्रिंसिपल पास जाकर रिक्वेस्ट करी, एप्लीकेशन दी कि हमें टीचर प्रोवाइड करवाया जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मतलब क्या सभी है, कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह लगी हो? ऑनलाइन लगी है, बट कभी कभी लगी है। तो टीचर नहीं था तो कोई अल्टरनेट तो ढूंढा होगा बच्चों को पढ़ाने का? नो सर, कोई अल्टरनेट नहीं था। कुछ नहीं किया सर। तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी री आई है? 36 के 36 बच्चे। पूरी क्लास फेल? पूरी क्लास फेल है सर, 36 के 36। कोई एक भी पास होता हम मान जाते कि वो पास है, कि उन्होंने थोड़ी तैयारी करी, हम सब ने इकट्ठी तैयारी की थी और सारे के सारे फेल है। और ऐसा भी नहीं पेपर बेकार हुआ हो, पेपर अपनी तरफ से अच्छा हुआ है। टीचर ही नहीं तो जब पेपर कैसा अच्छा हुआ? सर हमने खुद तैयारी करी थी, उसके बाद भी हमारी नहीं दी गई है। आपका क्या नाम है? आरती सर। आप सब फेल सारे? यस सर, 36 के 36 बच्चे। शिवानी राठी। आपका? मंजीत कौर। दिव्या। तो सारे के सारे बच्चे फेल हो गए तुम लोग? जी सर, 36 के 36 फेल है। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? सर हम ये चाहते हैं, या तो हमें रीअपेयर का फॉर्म भरेंगे, या तो पास करो या हमें दोबारा ही देना पड़ेगा, इसका कोई मुद्दा ही नहीं। और तैयारी अभी भी टीचर नहीं है हमारे पास कि हम कहें हमारे पास टीचर, अभी भी टीचर नहीं है हमारे पास, या तो टीचर प्रोवाइड करे। पैसे भरो, गलती किसकी, सरकार की कि टीचर यहाँ नहीं है? जी हम तो यही कहना चाहेंगे हमें पास तो किया जाए सर इस सेमेस्टर में। टीचर ना होने की गलती पास कैसे कर देंगे? वो तो ये हो सकता है कि आपके री के जो पैसे हैं वो ना भरवाए जाएं और टीचर यहाँ प्रोवाइड कराए। जी सर। तो क्या चाहते हो बच्चों, क्या कहना है सरकार? थर्ड सेम का भी समाधान होना चाहिए ना, इस वजह से बच्चे री का फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें पास क्या जाना चाहिए इसमें? ये देखिए, अजीब, बड़ा अजीब और गरीब कारनामा है। टीचर है नहीं और बच्चे की पूरी क्लास फेल हो गई है, और ना प्रशासन ना सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था जिसमें टीचर नहीं होता है। टीचर नहीं था फर्स्ट ईयर में भी? नहीं, कोई नहीं था सर, ना फर्स्ट ईयर में था ना सेकंड सेम में था, उसमें भी हमने खुद मेहनत करके पास हुए हैं। बट ये सब्जेक्ट बंद ही क्यों नहीं कर देते जब आपके पास टीचर ही नहीं है? तो सर पता नहीं, अब एक बार ले लिया था वो ये बोल रहे हैं कि बंद भी नहीं करते, चेंज भी नहीं करते सर। अब थर्ड ईयर तक यही सब्जेक्ट रखना हमें। देखें आला अधिकारी जो हैं सरकार के, किस तरह की लच्चर व्यवस्था और किस तरह का हाल है। एक टीचर नहीं है उसके बावजूद पूरी की पूरी क्लास फेल हो जाती है, और फिर से उन बच्चों से पैसे लेके रीएवोल्यूशन के रीअपियर के फॉर्म भरवा दिए जाएंगे और टीचर फिर भी नहीं है। तो कैसे इन बच्चों का बेड़ा पार होगा और कैसे सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सक्सेस होगा, ये देखने वाली बात है। कैन इन मीडिया के लिए गोहाना से।